हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच। आज आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ MH1 के खास कार्यक्रम में, वेक अप एस्ट्रो। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके आज के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे 2024 के लिए कुछ खास टिप्स जो बनाएगा 2024 आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर, स्मूथ, ताकि आपको 2024 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। आपकी जर्नी 2024 की काफ़ी अच्छी रहे, काफ़ी सेफ रहे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आपका राशिफल हम आपको बताएंगे न्यूमरोलॉजी की मदद से और टैरो कार्ड्स की मदद से। तो सबसे पहले आपको बात करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। आपके डेट ऑफ बर्थ की स्टडी को न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। इसको ईयरली एनालिसिस में भी किया जाता है और ये आपको हेल्प करती है टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको कौन से लकी नंबर्स हैं, कौन से लकी कलर्स हैं, कैसी कौन सी चीज़ें, कौन सी फील्ड ऑफ वर्क आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है, कौन से नंबर्स के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी और कौन से नंबर्स के साथ में आपकी थोड़ी सी लाइफ में टिप्स रहेंगी, ये सब आपको नॉलेज देती है न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से। कैसे कैलकुलेट करें अपना न्यूमरोलॉजी टोटल? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 19th को, तो आप 1 और 9 को ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आइए तो बनता है नंबर 1। नंबर 10 को अगर हम प्लस करेंगे तो बनता है नंबर 1। ऐसे ही आप टोटल कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को और वो होगा आपका न्यूमरोलॉजी नंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से। कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी नंबर 1 वालों का दिन? अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1। आपके लिए जो आज का कार्ड आया है वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आज का दिन आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा, बहुत सारी लाइट लेकर आएगा। ये लाइट होती है डिवाइन ब्लेसिंग्स। मतलब आज के दिन आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेगा कि आपको कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, आपकी लाइफ में आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा। सो आज के दिन ये इंडिकेशंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। सो बेसिकली आज के दिन आपको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर अपनी एजुकेशन फील्ड पे, अपनी वर्क फील्ड पे और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी आपको कहीं ना कहीं से बेटर गाइडेंस मिलेगी। तो आपका दिन रहेगा काफी हैप्पी एंड काफी सक्सेसफुल। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 2। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 2। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन मैरिटल ब्लिस, यानी कि आज के दिन आपके पार्टनर आपके लिए शायद कुछ स्पेशल कर सकते हैं, या तो आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कीजिए। रिलेशनशिप पे फोकस करने का आज दिन है नंबर 2 वालों के लिए। आप लोग वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं, तो आज के दिन आप ट्राई कीजिए कि आज के दिन आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या अपने स्पेशल समवन के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप देखेंगे कि वो आज का आपका दिन रहेगा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एंड काफ़ी ज़्यादा एक आपको कंटेंट फीलिंग देगा। यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी डूइंग दिस। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 3, मूलांक 3। आपके लिए जो कार्ड आया है वो इंडिकेट कर रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ अ मैरिड एंड हेल्दी रिलेशनशिप, यानी कि आज के दिन फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपनी मैरिज के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, आप अच्छे से उनको अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का वो दिन है कि बैठिए और क्लैरिफाई कीजिए सब कुछ, तो आप देखेंगे कि थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आने लग जाएगी, बट उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल वोकल। आपको थोड़ा खुल के बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने आप को, तभी चीज़ें होंगी बेटर।
अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 4, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो इन सब का टोटल करेंगे तो आता है नंबर 4, मूलांक 4। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है कि आज के दिन लाइफ इज अ टीचर फॉर यू टुडे, लर्न टू सीक बेटरमेंट। मतलब कि आज के दिन आप अपने लेसन से लर्न कीजिए, लोगों के एक्सपीरियंस को समझिए और उस पे आगे वर्क कीजिए, लोगों की गलतियों से आप भी सीखिए, शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ओवर एक्साइटेड होके किसी भी चीज में आप जंप मत कीजिए और थोड़ा सा अपनी ईगो को कम करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि चीजें काफी बेटर हो जाएंगी आपके लिए। लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे तो आपको वो रियलाइजेशन होगी कि आपको क्या चीज नहीं करनी। थोड़ा सा शांति से आप आज रहेंगे, थोड़ा शांति से पेश आएंगे, लोगों की प्रॉब्लम सुनिए, उनके दिल के हाल सुनिए, तो आप देखेंगे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और यही सीख आपको आगे जाके लाइफ में आएगी काफी ज्यादा काम। सो आपके लिए आज के दिन सीखिए हर चीज को। टीचर्स हैं आपके आसपास हर जगह, लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो हर एक इंसान से भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो आज आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 5, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5, मूलांक 5। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आ रहा है महादेव का कार्ड। आज के दिन आप अपनी एफर्मेशन जरूर बोलिए, मैनिफेस्टेशन जरूर बोलिए। क्या होती है एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन? बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी चीज डिजायर करते हैं, विश करते हैं, उसको आज के दिन आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। राइट इट डाउन, लिख के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, चैंटिंग करके कर सकते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी अगर वो पॉजिटिव होंगी। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस कभी भी वर्क नहीं करती, इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन चीजों की आप ख्वाहिश रख रहे हैं, वो सारी पॉजिटिव हो और आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो आप हैं टोटल नंबर 6, मूलांक 6। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है प्रोटेक्शन कार्ड। माँ काली विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। आज के दिन आप काफी ब्लेस्ड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो आज के दिन आपकी एनर्जी रहेगी काफी सेफ। सेफ एनर्जी रहेगी, दैट मींस आपके एनर्जी लेवल्स रहेंगे काफी अच्छे, काफी हाई, तो उसको फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए आप आज के दिन मेडिटेट जरूर कीजिएगा। किसी रिलीजियस जगह या स्पिरिचुअल जगह आप जरूर जाइएगा तो आप नोटिस करेंगे कि आपको और बेटर फील होगा। यू विल फील दैट कामनेस, दैट पीस जो रिक्वायर्ड होती है हर किसी को, एक जो मन में शांति वाली फीलिंग आपको वहां जाके आएगी, तो आज के दिन आप वो चीज जरूर कीजिएगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 7, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख एंड 25 तारीख, तो आप है नंबर 7, मूलांक 7। आपके लिए जो नंबर आया है, जो कार्ड आया है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, आज के दिन अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आज के दिन वॉक पे जरूर जाइए, मेडिटेट जरूर कीजिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा अच्छा रहे। आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपको मेंटली भी बहुत अच्छा फील होगा। सो आज के दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कीजिएगा, टॉक्सिन्स बाहर निकालिए। उसके लिए बेस्ट तरीका है गो फॉर अ वॉक, गो फॉर नेचर वॉक, किसी भी गार्डन में जाके, पार्क में जाके वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका दिन आज बहुत ही बेहतर हो जाएगा एंड यू विल फील एक्स्ट्रा हैप्पी एंड एक्स्ट्रा लाइट। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 8, मूलांक 8। आपके लिए जो कार्ड आया है वो लेकर आ रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंग्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। मतलब आपके पास्ट कर्मा को एंड करने का आज समय है। आप चाहते हैं तो आपके पास के कर्मा आज भूले जा सकते हैं, एंड हो सकते हैं। आज के दिन कोई अच्छी डीड जरूर कीजिएगा, आज के दिन दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा, आज के दिन किसी एनजीओ में जाके
फूड जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, जरूरतमंद की मदद आज आप जरूर कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको उसके काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो बेसिकली ओवरऑल आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, बस आपने फोकस करना है कि आज के दिन आप कुछ ना कुछ अच्छी डीड जरूर करें। एनिमल्स की सेवा भी कर सकते हैं, भूखों को खाना खिला सकते हैं, जितने लेबर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, जितने भी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको जाके आज के दिन आप खाना जरूर खिलाइए, या आप उन्हें चाय पिला सकते हैं, गिव देम समथिंग टू ईट, मेक देम फील अ लिटिल स्पेशल एंड बेटर, तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित होगी एंड इसके बेटर रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में जरूर दिखेंगे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 9, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 9। आपके लिए जो कार्ड आया है वो बोल रहा है यू विल अटेन विक्ट्री थ्रू स्पीच, जितना आप बात करेंगे, जितना आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, उतना ही आप जीतेंगे एक सिचुएशन में। अगर आप किसी सिचुएशन में आज अपने आप को स्टक फील करेंगे तो प्लीज डोंट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिएगा, जो आप फील कर रहे हैं उसे खुल के बोलिएगा, अपने लव्ड वन से अपने दुख दर्द शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे आज के दिन, अब भले अपने फ्रेंड्स के साथ करें, कजन्स के साथ करें, पेरेंट्स के साथ करें, बट डू शेयर, अपने अंदर चीजें मत रखिएगा। जितना आप आज के दिन बात करेंगे उतना आपको सक्सेस है। अगर आप वर्किंग है तो ट्राई टू ओपन अप, भले आपके बॉस हो, भले आपकी कोई मीटिंग हो, उसमें आप जितना बात करेंगे, जितना अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर और फायदेमंद होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल आज की टिप्स के साथ। अब मैं आपसे बात करती हूं आज की स्पेशल टिप ऑफ द डे, हाउ टू मेक योर प्लैनेट मंगल स्ट्रॉन्ग। देखिए, मंगल इज द प्लैनेट मार्स, इसको हम हनुमान जी से भी लिंक करते हैं, तो अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो आपको देगी एक स्पेशल एनर्जी, और ये जो स्पेशल एनर्जी है वो आपको बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति देगी और आपको देगी एक एक्स्ट्रा पावर, क्योंकि हनुमान चालीसा जब हम सुनते हैं तो हमारे में आती है एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पॉजिटिव खुशी। तो इसलिए इस छोटी सी रेमेडी के साथ में आप कर सकते हैं अपने प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और एक बार हमारा प्लैनेट मंगल हो जाता है स्ट्रांग तो हमारे को मिलती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल, टू एक्सपैंड आर वर्क, हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों के साथ हमारे रिलेशंस बेटर हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है हमारे को मंगल। इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। मैं हूँ प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैप्पी वीकेंड।